जम्मू के बहुप्लाजा में एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, लेकिन ये जो दोनों भाई साहब इस समय हमारे साथ देख रहे हैं ये काफी ज्यादा परेशान है। इनके द्वारा टेलीफोन करके हमें यहाँ पर बुलाया गया, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये इतने परेशान क्यों हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर अजय भगत। अजय भगत जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर फ्लाईमंडाल। फ्लाईमंडाल से आज क्या परेशानी होगी, क्यों परेशान है? सर हम कल से आ रहे हैं तो सैलरी लेने के लिए, कल भी आए थे, हमें धमकी दी गई थी कि समझ लो आपको सैलरी नहीं देनी, आप भाग जाओ इधर से, सालो अनपढ़ हो आप, ऐसे दफा रखी, सब बहुत गाली थी। तो अभी सर सेकंड टाइम आया हम दूसरे दिन, तो वो अभी भी हम सिर्फ उधर गेट पे ही पहुंचे, सर ने फिर से पकड़ लिया हमें, तो बोल रहे कि समझो आपको सैलरी नहीं देनी, तो ऐसे कि समझ लो आप इधर से भाग जाओ, आपको मारूंगा, ऐसे करूंगा, वैसा करूंगा, सर धमकी दे रहे हैं हमें। कहाँ पर काम करते हैं आप? सर मैं इधर होम टेरिस पर। यहाँ पर क्या काम करते हैं? सर हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग का, हाँ जी सर। तो कितनी तनख्वाह मिलती है आपको पर मंथ? सर 11,000। 11,000, हाँ जी। ये गालियाँ वगैरह ये कौन दे रहा है आपको? सर हमारे शिवा सर है। ये क्या है यहाँ के? सर जे नहीं मालूम क्या कि समझो, जे ही हमारे अंदर जो हम लगे थे इनके थ्रू लगे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? सर जे इधर जानीपुर वाली साइड। तो आपको कितनी देर होगी यहाँ पर काम करते हुए? सर 4 महीने। 4 महीने, हाँ जी। तो उसमें कितनी देर की आपको तनख्वाह नहीं मिली है? एक मंथ की। हाँ जी सर, जो ओवर टाइम हमारा पिछले भी लगे हुए हैं वो भी नहीं देते हैं, कि 8 घंटे की ड्यूटी समझ लो पैसे देते हैं, तो हमारी ड्यूटी लेते थे 13 घंटे, 12-13 घंटे ड्यूटी लेते थे। तो अभी किसी से बात हुई है अंदर आपकी? सर किसी से नहीं, सिर्फ सर ने हमारे अंदर की एंट्री करने नहीं दी गेट के अंदर, सर हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड को भी मना कर दिया कि गेट के अंदर नहीं आने देना इनको, इधर आसपास नहीं खड़े होने देना इनको, इधर से भगाओ। कुछ तो रीजन बताया होगा, क्या रीजन है क्यों आपको ये तनख्वाह नहीं दी जा रही है? कि आपने काम सीख लिया, आप काम छोड़ के क्यों जा रहे हो, इधर काम करो। सर हम इनके कोई गुलाम कोड़े हैं? हम अपना काम छोड़ कर जा रहे हो? हाँ। दूसरी जगह पर काम मिल गया है क्या? हाँ सर काम तो हमें की समझो मिलता रहता है, मैक्सिमम तो हमारा घर का ही काम है, ठीक है। अभी फसल काटने की है तो बोल रहे हैं कि समझ लो हमारा ही काम देखो, तो अपना रहने दो, ये ऐसा हो नहीं सकता। अभी 1 महीने की तनख्वाह इन्होंने आपकी रोक? हाँ जी सर, और साथ में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता था हमारा ओवर टाइम 5 घंटे, वो भी नहीं देते थे। कितने आपके साथ और कितने साथी हैं जिनकी तनख्वाह मिली है? सर मेरा भाई है एक साथ। अच्छा, आप दोनों सिर्फ भाइयों की रोकी गई? हाँ जी सर, बाकियों को मिल रही है? हाँ, ऐसा कि समझ लो अंदर जो लड़के होंगे उनकी भी रोकी गई होगी, जे नहीं मालूम मुझे। तो सेकंड नंबर 2 लड़के उनको भी सैलरी नहीं दे रहे थे, उनको भी बोल रहे थे आपको निकाल देना, तो उन्होंने फिर 7 दिन ऊपर काम किया, एक्स्ट्रा दिन लगाया 7 दिन, तो उन्होंने सैलरी ली, तो फिर चले गए बाकी वो। तो आपको क्या कह रहे हैं, मतलब ये आपने इनको बताया था कि मैं काम छोड़ रहा हूँ यहाँ से? हाँ जी सर बताया था, और साथ में मेरी बावी ड्यूटी होती है खाली मंदिर, मैंने बोला था मुझे 10 छुट्टी चाहिए, मेरी पेंडिंग छुट्टियाँ भी पड़ी थी, ठीक है। तो मैंने बोला वो बीच में मिक्स कर लेना कि समझो जितनी छुट्टी बनती है तो रख लेना, तो जो मेरी एक्स्ट्रा छुट्टी होगी उनके पैसे काट लेना। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला वाला, तो 18 तारीख को मुझे कॉल की, 15 को मैं गया था, 18 को मुझे कॉल की, अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहो बैठे। ओनर से बात हुई यहाँ के जो ओनर है? ओनर नहीं सर, मालिक हैं जो। नहीं हुई बात। सर उनसे बात करना चाहते हैं हम, उनके लिए पहुंचने दे रहे, गेट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को मना कर दिया कि समझ लो आपको इनको एंट्री नहीं करने देना अंदर, हाँ ना इधर सड़क पे खड़े होने देना। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमित। हाँ सुमित। सुमित, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फ्लाईमंडाल से। फ्लाईमंडाल से, हाँ। तो यहाँ पर क्यों परेशान है? ऐसे सैलरी नहीं दे रहे हैं, मैंने भी कटाई करनी थी, मैंने घर जाना था, मम्मा बीमार थी इसलिए। अच्छा, मम्मा बीमार थी घर में इसलिए यहाँ से छुट्टी लेकर गए थे या कोई ऐसे चले गए? छुट्टी लेकर गए थे, अर्जेंट लेटर दिया था। अच्छा, रिजाइन लेटर दिया? हाँ, बोल रहे मेरे को अगर आपने डेट नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, ऐसे ही चले गए आप। हाँ, अभी कितनी देर की इन्होंने सैलरी रोकी आप? 1 महीने की। देते कितनी थी? 12,000। 12,000 किसी को 12, किसी को 10, किसी को 9 देते हैं, ऐसे इनका कोई पता नहीं है कितनी सैलरी देते हैं कितनी नहीं। अच्छा, बाकियों की, बाकियों को मिल रही है आपकी रोकी? हाँ सर। अभी बात हुई आपके अंदर किसी से? नहीं सर। सर उनसे हुई, हमारे जो शिवा सर है ना जो हमें धमकी दे रहे हैं, उनसे बात हुई सर, उनसे बात हुई अंदर जाने के गेट पे ही हुई। तो बिल्कुल जम्मू के बहुप्लाजा में एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर हम इस समय मौजूद है और ये दोनों सके भाई हैं। सके भाई हो? सके भाई नहीं, मासी का लड़का। मासी का लड़का। तो ये जम्मू के फ्लाई मंडाल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाउसकीपिंग का काम इस रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर करते थे, लेकिन ऐसे में इनका ये कहना है कि घर में जो है वो इस समय यहाँ पर कनक की कटाई का सीजन चल रहा है और ऐसे में ये यहाँ से जो है वो रिजाइन करके जो है अपने घर गए थे। हालांकि इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने लिखित में एप्लीकेशन भी दे रखी थी, लेकिन ऐसे में जो है वो यहाँ के जो लोग हैं इस रेस्टोरेंट के
उनके द्वारा जो है वो इनकी सैलरी एक महीने की जो है वो नहीं दी जा रही है। और जब ये यहाँ के एक सुपरवाइजर है कोई शिवाजी, उनसे जब ये बात करते हैं तो वो भी जो है वो इनसे सही तरीके से बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि अगर ये गरीब लोग बेचारे इतने दूर दराज गांव से उठकर यहाँ पर अगर रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो इनकी रोजी रोटी पर इस तरह से लात मारने का काम नहीं किया जाए, बल्कि जो इनका हक बनता है वो जो है वो इन्हें दिया जाए। आप जनता वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी जिम में काम करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। जिस तरह से आज इन दोनों भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, अगर जो भी इस रेस्टोरेंट के जिम्मेदार लोग हैं या जो भी ऑनर हैं अगर वो अपनी बात इस पर रखना चाहते हैं तो वो जरूर हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनका भी पक्ष जो है वो जनता के सामने रखा जाए। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय इस पर जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।